हम आपको बताएंगे किसी भी सर्किट का पीसीबी लेआउट कैसे बनाया जाता है। सबसे आसान तरीका है कंप्यूटर में बनाने का, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्किट विजार सॉफ्टवेयर का इसमें हम उपयोग कर रहे हैं, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमारा सर्किट विजार सॉफ्टवेयर, इसे हम ओपन करते हैं। ये हमारे इसमें पहले ही खुला हुआ है, ये आपका खुल गया। यह है आपका इस साइड फाइल एडिट व्यू प्रोजेक्ट विंडो, ये आपको पता होगा। फाइल के अंदर आपका ये आप कोई भी सर्किट बनाते हैं उसको सेव कर सकते हैं। एडिट के अंदर आप कोई बना बनाया सर्किट वगैरह एडिट कर सकते हैं। ये आपकी गैलरी वगैरह, ये साइड है आपकी गैलरी, इसके अंदर आपको जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आप अपने सर्किट में यूज़ करते हैं वो दे रखे हैं। एंड ये आपका प्रोग्राम, इसमें आप अगर कोई भी आईसी वगैरह लेके आते हैं जिसे आप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप उसे प्रोग्राम करने के लिए इसी सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में अपनी नए सर्किट बनाने के लिए, तो हम इसको न्यू करेंगे। तो ये हमारे सामने चार ऑप्शन आएंगे, स्टैंडर्ड गिनी बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स, एलिमेंट्री सर्किट एंड फ्लो चार्ट। तो हमें जिससे रिलेटेड सर्किट बनाना है हम उसको चूज़ करेंगे। हमें बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो हम इसे चूज़ करेंगे। हम वैसे तो यहीं बना लेते पहले ही बिना ये चूज़ करे, पर हमने वहाँ चूज़ इसलिए किया कि हमें उसी से रिलेटेड कंपोनेंट्स हमारे इस साइड आएंगे। अगर आप एलिमेंट्री सर्किट चूज़ करते तो आपको उससे रिलेटेड सर्किट आते, जैसे आपके घर के स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, फैन वगैरह होते हैं, मोटर्स होती हैं, वो आते। तो अब हम इसमें चालू शुरू करते हैं बनाना। ये हम यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले इनपुट कंपोनेंट्स, ये होते हैं आपके। हम यहाँ से लेंगे ट्रांजिस्टर, ले लेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये यहाँ आ जाएगा। एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर ले लेंगे, एक कैपेसिटर ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये आपके जो पीएफ वगैरह होते हैं जिनका प्लस माइनस कोई सा नहीं होता, सेरेमिक कैपेसिटर भी कहते हैं ये, उसके लिए ये वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू आप बाद में घटा बढ़ा सकते हैं सीधा। फिर हम यहाँ से एक एलईडी ले लेंगे। अब बनाते हैं सर्किट। ये हमने ट्रांजिस्टर लिया, इसको हम कंट्रोल दबाकर लेफ्ट क्लिक करके माउस से जहाँ छोड़ेंगे वहीं ये कॉपी हो जाएगा। ये हमने यहाँ छोड़ दिया, ये कॉपी हो गया। एमीटर से एमीटर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये सर्किट बन जाएगा। ये हमारा जुड़ गया, यहाँ से वायर जुड़ गई है, ये हमें ये बता रहा है कि हमने एमीटर से एमीटर इसका कनेक्ट कर दिया। इसको हम अगर यहाँ पे क्लिक करके आपका मिरर कर सकते हैं, उसे रोटेट भी कर सकते हैं जैसे आपको आसान लगे, जिससे आप सर्किट बना सकें, आपके वायरिंग करने में आपको दिक्कत ना हो। ये हमने मिरर कर दी तो अब ये कुछ इजीली तरीके से बन जाएगा। मैं थोड़ा और डिस्टेंस ले लेते हैं, ये आपका बन गया। और रजिस्टर पे भी कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करके इसको भी यहाँ लेके आएंगे, ये ऐसे जुड़ जाएगा। इसकी वैल्यू सेट कर लेंगे हम लेफ्ट क्लिक, वहाँ डबल क्लिक करेंगे या इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी जिसमें हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी क्वार्टर वाट, हाफ वाट, वन वाट, टू वाट एंड फाइव वाट, ये इसलिए सेट करते हैं जब आप पीसीबी लेआउट बनाएंगे तो पीसीबी लेआउट में 5 वाट रेजिस्टेंस बड़ा होता है तो उसके हिसाब से वो आपको सर्किट बना के देगा। अगर आप क्वार्टर वाट लगाते हैं तो क्वार्टर वाट काफ़ी छोटा रेजिस्टेंस होता है तो ये आपको उसके हिसाब से देगा। हम यहाँ से इसकी वैल्यू सेट करते हैं 150 एंड ये आपका, ये जब आप इसको ऊपर करेंगे तो वैल्यू इसकी बढ़ेगी, नीचे करेंगे यहाँ से तो वैल्यू घटेगी। ये अभी आपकी के में आ रही है, अभी ये ओम में आ जाएगी। आप इसको ओके करेंगे, ये आपका 150 ओम का हो गया। कंट्रोल दबा के इसे भी कॉपी कर लेंगे, इसे अब हम यहाँ लगा लेंगे, ये ऊपर ले जाएंगे हम अपना। अब कैपेसिटर को भी कंट्रोल दबा के कॉपी कर लेंगे, ये आपका कॉपी हो गया। अब इसका अब इसको ये रोटेट कर लेते हैं तो एक साइड को रोटेट हो जाएगा, राइट हैंड साइड को। इसकी वायर यहाँ से जोड़ दी हमने एंड इसको हम इसके कलेक्टर से जोड़ देते हैं सेम एज इट इज। हम दूसरे से अगर कैपेसिटर के साथ भी करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर देंगे, क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज, ये अपने को रोटेट हो गया। ये आपका ऐसे बन गया सर्किट।
अब हम इसमें एलईडी कनेक्ट कर देंगे, ये रही हमारी एलईडी। कंट्रोल दबा के इसको भी कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें सर्किट के अंदर दो एलईडी की लगाने की आवश्यकता है। हम ये यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इनको भी, एलईडीज को। एलईडीज का ये नीचे वाला हिस्सा होता है ये आपका माइनस होता है, और ये ऊपर का हिस्सा होता है ये प्लस होता है। इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं हमारे सर्किट के अनुसार। हमारा सर्किट ऐसा ही है, आप अपना सर्किट जो सा बनाना चाहेंगे आप उस हिसाब से लगाएंगे। ये हमारा ऐसे जोड़ दिया हमने, इस ये रेजिस्टेंस ले लेंगे, कंट्रोल दबा के इसको भी कॉपी कर लेंगे। इसकी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, हमने इसमें 47 के लगाया, आप चाहें तो 50 के भी लगा सकते हैं। ये सर्किट हमारा बनने वाला है, ये हमने यहाँ लगा दिया। इसे यहाँ बेस इसके कैपेसिटर के माइनस टर्मिनल से हमने जोड़ दिया है, इसे भी लगाएंगे, इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, 47 के लगा दिया। हम इसको भी वहीं जैसे हमने पिछले का रेजिस्टेंस के साथ करा वैसे इसके साथ भी करेंगे, ये लगा दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों की वायर यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। ये हमारी जोड़ दिया हमने, ये हमारा रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है इसलिए ये सीधा नहीं आ रहा है, हम इसे सीधा कर देते हैं। जब हमारा सर्किट बनेगा तो वो आसानी से बन जाएगा और सीधा बनेगा। इसको भी हम ऐसे ही जोड़ देते हैं, फिर ये हमारी सीधा हो गया। अब हम इसमें पावर सप्लाई लगा के प्ले करके देखेंगे कि ये सही चलेगा नहीं चलेगा। पर हम यहाँ पर हमने 100 UF कैपेसिटर लगा रखे हैं, ये 100 UF लगा रखे हैं। अब हम यहाँ से इसमें सप्लाई लगाएंगे, पावर सप्लाई में से हम इसमें 9 वोल्ट ले लिए। इसका ग्राउंड हम यहाँ से माइनस टर्मिनल जो हम इसमें मीटर से कनेक्ट कर देंगे, इसका प्लस जो है हम यहाँ से जोड़ देंगे। अब हम इसको चला के देखेंगे, ये आपका सिमुलेशन मोड है, यहाँ से हम इसको रन कर सकते हैं। आप पे क्लिक करेंगे तो सर्किट ये चलने लग जाएगा। अब ये काफ़ी स्लोली स्लोली ब्लिंक कर रहा है। आप इसकी कैपेसिटर्स वगैरह की वैल्यू घटा बढ़ाकर यहाँ से आप पॉज कर दें, आप इसकी वैल्यू यहाँ से घटाएंगे। ये आपका 100 वोल्ट लगा हुआ, हमें आप इसकी 16 वोल्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी बैटरी 9 वोल्ट है, एंड हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 10 UF। सेम इसके साथ करेंगे 10 UF 16 वोल्ट, इसको ओके कर देंगे। अब इसे प्ले करेंगे हम, अब इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, स्पीड बढ़ गई है। ऐसे ही आप अगर ये चाहते हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है हमारा सर्किट ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू जो है कुछ डिसबैलेंस लगा देते हैं, जैसे आपके इधर 10 UF लगा हुआ है, आप यहाँ से पॉज करें इसको, इसको अगर हम 100 UF लगा देते हैं, 100 बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको 47 लगा देते हैं, 47 UF हो गई, हम इसे ओके कर देते हैं, फिर प्ले करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सर्किट कुछ बदल गया है, अब कुछ अलग तरीके से वर्क कर रहा है। इसी हिसाब से अगर आप इसको कोई और सर्किट बनाएंगे उसमें अगर आपकी गलत वैल्यू लगी होगी तो ये उसी हिसाब से काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि आपका सर्किट आप जैसा मर्जी सर्किट बनाए उसका काम एक जैसा ही आए, एक जैसा ही चले। इसलिए यह सॉफ्टवेयर आपको यही बताता है कि आपका सर्किट कहाँ गलत है कहाँ सही है। अब हम इसमें आपको ये भी दिखाएंगे कि इसमें आप किसी भी चीज़ का करंट भी देख सकते हैं। अगर आप कोई सप्लाई बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 9 वोल्ट की रेल ले ली, एंड या फिर 9 वोल्ट रेल ले ली, आपने यहाँ से 0 वोल्ट ले लिए, एंड आपने यहाँ से ये इसमें से डायोड ले लेते हैं, ये आपको ब्रिज रेक्टिफायर है, आप सिंगल डायोड लेके भी ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, पर हम यहाँ से रेडीमेड ब्रिज रेक्टिफायर लेंगे। ये रहा, ये आपका ये माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, तो हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं इसको। ये रहा आपका 9 वोल्ट, ये हमने यहाँ कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। इसकी वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं, आप यहाँ से इसके एम्पियर भी चेंज कर सकते हैं कितने एम्पियर पाएगी। हम इसके वोल्टेज यहाँ पे डाल देते हैं, ये हमारी है 24 वोल्ट, ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कैपेसिटर लेंगे, ये आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ले लिया। अब इसको हम कंट्रोल दबा के कॉपी करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गए हैं। इसकी भी वैल्यू डाल देंगे हम,
ये आपका वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं, सौ 25 या 35 भी कर सकते हैं आप, या ओके कर दिया। इसको भी सेम एज इट इज कर देंगे, 225 कर दिया हमने। अभी आपका ये प्लस टर्मिनल है, हम आपको इसको प्लस से जोड़ देते हैं, ये भी प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसमें, इसे इससे जोड़ देते हैं। और ये आपका माइनस है, माइनस का हम इससे जोड़ देते हैं। अभी हमारी सप्लाई तैयार है। हम अगर एक ट्रांसफार्मर से ऐसी सप्लाई बनाते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ये कैपेसिटर लगाने के बाद जो डीसी वोल्टेज है वो कितनी निकलेगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे, टेस्ट इक्विपमेंट में उठा के आप एमीटर वोल्टमीटर जो भी लेना चाहते हैं, एम्पियर चेक करना चाहते हैं आप एमीटर ले सकते हैं, वोल्टमीटर चेक करना चाहते हैं वोल्टमीटर ले सकते हैं। ये आपका वोल्टमीटर यहाँ आ गया, इसका माइनस जो है आप अपने माइनस से ले सकें, जहाँ जहाँ से आपको करंट मेजर करना है, जहाँ से आपको करंट नापना है कितना करंट आ रहा है, आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये आपका तैयार है। अब इसको हम रन करके देखेंगे कि कितना करंट आ रहा है। जब आप इसको रन करेंगे तभी आपको वोल्टेज बताएगा। अभी हमने रन कर दिया, अभी हमें सर्किट बता रहा है कि अगर हम 24 वोल्ट की सप्लाई बनाते हैं तो 24 वोल्ट में ये कैपेसिटर लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे तो हमें ये 23 वोल्ट लगभग निकाल के देगा। इससे आप किसी भी सप्लाई में आप पहले से बता सकते हैं कि उसमें करंट कितना निकलेगा, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसका हम पीसीबी लेआउट बनाते हैं, पहले इसको डिलीट मार देते हैं, इतना हम डिलीट मार देते हैं ये फालतू का, हमें सर्किट पीसीबी लेआउट बनाना है ऊपर वाले का, डिलीट बटन दबा के हमने डिलीट मार दिया सेलेक्ट करके। तो इसका पीसीबी लेआउट बनाने के लिए प्रोजेक्ट में जाएं, सिमुलेशन, ये आपका सर्किट सिंबल्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कन्वर्ट टू पीसीबी लेआउट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा, ओके करेंगे, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा आपको कैसे ट्रैक्स चाहिए जो आपके पीछे बनाएंगे, आप उनको पतला बनाना चाहते हैं, चौड़ा बनाना चाहते हैं। हम इसमें नॉर्मल ट्रैक्स रखते हैं, इसको ओके करते हैं। अब आप यहाँ पे अपना साइज़ भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप किस साइज़ में चाहते हैं वो आप यहाँ साइज़ मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए हम सेंटीमीटर डाल सकते हैं, पर हमें इसको आप ऑटोमेटिक ही रहने देंगे तो बेटर रहेगा। ये आपके अपने आप सर्किट बता के दे देगा आपको कितना बड़ा बोर्ड होना चाहिए, एक्यूरेट बताएगा ये। आप कन्वर्ट करेंगे इसे, आप देख सकते हैं अब ये बनाने लग गया है। आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है ऑटोमेटिक रूटिंग कंप्लीटेड, 100% ऑफ नेट कनेक्शन वर सक्सेसफुली रूटेड। बड़े सर्किटों में ऐसा नहीं हो पाता है, आप चाहें तो ऐसी सीधी निकाल सकते हैं, या तो ये फालतू का जो एरिया आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, अभी आपका सर्किट हो जाएगा। अब आपको प्रिंट निकालना तो आप यहाँ पे ये आर्ट वर्क है, इधर ये रियल वर्ल्ड है, करंट फ्लो आपको ये करंट आप यहाँ से सिमुलेट कर, जो रियल वर्ल्ड में है आपको ये दिखा रहा है कि आपका जो सर्किट है कंपोनेंट्स लगने के बाद पीसीबी आपका कैसा दिखेगा। आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब आप इसको भी अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप ये आप इसके कंपोनेंट्स पास पास लगा सकते हैं थोड़ा। आप यहाँ आपने ये ड्रैग कर दिया तो आपका ये ऐसे रूटिंग हो जाएगी इसकी, आप थोड़ा सा इसको यूं भी कर सकते हैं, इसको भी यूं कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी नीचे कर सकते हैं। अब आपका सर्किट वही है बट इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है। ऐसे ही अगर कोई सर्किट आपका बन नहीं पाता जिसमें आपको 100% रूटिंग नहीं दे पाता, आप उसको जॉइंट दे सकते हैं। जैसे हमने ये ट्रांजिस्टर लिया, उसको अगर हम रोटेट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये जॉइंट आ गए हैं। ये जॉइंट वो हैं जब आप पीसीबी के ऊपर से जॉइंट देंगे। अगर आप इसको यहाँ पे आप आर्ट वर्क में देखेंगे तो आपका पीसीबी ऐसा दिखेगा, बट आप जब इसमें मोवर में आप यहाँ कंपोनेंट ये आप देखेंगे सिल्क स्क्रीन आउटसाइड वर्क आउटलाइन आर्ट वर्क, तो आपको ये ऊपर के कंपोनेंट दिखाएगा और यहाँ पे आपको जॉइंट दिखाएगा। ये यहाँ से आपको जॉइंट देने हैं, वो आप ये ध्यान रखें कि आपको कहाँ जॉइंट देने हैं। ये छोटे सर्किट्स में नहीं देने, आपको बड़े सर्किट जो होते हैं उनमें पूरा 100% रूटिंग नहीं होती है, तब हमें ये जॉइंट्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसे हम वापस वैसे ही कर देते हैं जैसा हम बनाया था ये। अब हम इसका पीसी प्रिंटआउट निकालेंगे, तो आप प्रिंटआउट कहाँ से निकालेंगे, आप ये आर्ट वर्क पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पीसीबी तैयार है। अब इसका प्रिंटआउट निकालने के लिए आप यहाँ फाइल में जाएंगे, प्रिंट करेंगे तो आप ये देखें, यहाँ से ये ध्यान रखें कि हम मिरर जो पीसीबी आर्ट वर्क लिखा हुआ है इसका मतलब ये है जो आपका पीस प्रिंटआउट निकलेगा वो मिरर टाइप में निकलेगा। जब आप उसे पीसीबी पर चिपकाएंगे तो आपका ये मिरर में हो जाएगा, यानी उसमें सीधा हो जाएगा, आपको वैसे ही उल्टा निकलेगा प्रिंटआउट। आप इसको जब
पीसीबी पे लगाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा सर्किट जो आपका। तो आपको ये यहाँ से निकालना है तो आप शोल्डर साइड बॉटम आर्ट वर्क पर क्लिक करेंगे प्रिंट आउट के लिए, तो आपका ये निकलेगा। आप सिल्क स्क्रीन आउटलाइन पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका यहाँ से ये प्रिंट आउट निकलेगा, सिल्क स्क्रीन आउटलाइन आर्ट वर्क। आपके कंपोनेंट्स निकल कंपोनेंट